जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्सकर्ट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीई सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे बीएचएस एंड रैंक के बारे में। इसमें 5 से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं हर बार, चाहे ए का हो, चाहे बी का, चाहे सी का हो। बीएचएस रैंक से पूछ लिए जाते हैं कि इस फलाने फलाने ऑफिसर की क्या रैंक होगी या इसके क्या बेज होगी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आज की शुरुआत एक नया थॉट्स के साथ करते हैं। आज का नया थॉट्स है कि नोबडी कैन टीच यू, ओनली यू टीच यू सेल्फ। यानी दुनिया में कोई भी इंसान आपको नहीं सिखा सकता, आप ही वो इंसान है जो आप अपने आप को सिखा सकते हैं। चाहे आप कोई भी आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी कोचिंग ले लीजिए, कोई भी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, नोबडी कैन टीच यू अनलेस यू वांट टू टीच यूर सेल्फ। चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं आर्मी के रैंक देखते हैं, सबसे छोटे से सबसे बड़े रैंक पर देखेंगे कौन कौन सी रैंक होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत होती है लांस नायक से, फिर उसके बाद होता है नायक। देखिए लांस नायक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लांस नायक है। उसके बाद होता है नायक, नायक की वो रैंक है। उसके बाद होता है हवलदार, देख लीजिए फ्रेंड्स इसमें 4 वो होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिपाही, क्वार्टर मेजर हवलदार, क्वार्टर मेजर। उसके बाद हवलदार मेजर, ठीक है। उसके बाद बटालियन क्वार्टर मेजर हवलदार, बटालियन हवलदार मेजर। उसके बाद फ्रेंड देखिए, ये होता है सबसे पहले नायक सूबेदार, नायक रसलदार। उसके बाद सूबेदार रसलदार, उसके बाद सूबेदार मेजर रसलदार। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स, अब यहाँ से स्टार्ट होता है ऑफिसर लेवल। लेफ्टिनेंट में देखिए 2 स्टार होते हैं, कैप्टन में 3 स्टार होते हैं, मेजर में एक अशोक चक्र लगा होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल में 1 स्टार एक अशोक चक्र होता है, कर्नल में 2 स्टार और 1 अशोक चक्र होता है। उसके बाद ब्रिगेडियर में फिर देखिए 3 स्टार ऐसे होते हैं और 1 अशोक चक्र होता है, मेजर जनरल में एक मतलब कि तलवार का क्रॉस होता है, 1 स्टार होता है, लेफ्टिनेंट जनरल में एक तलवार का क्रॉस और 1 अशोक स्तंभ होता है, जनरल में एक तलवार का क्रॉस, 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है। और फील्ड मार्शल में फ्रेंड देख लीजिए, जैसे यूएन का वो बना होता है लोगो वैसे ही होता है, उसके ऊपर एक वो होता है। और आर्मी का जो सबसे लास्ट का लोगो होता है, 2 क्रॉस की भी तलवारें होती हैं, ऊपर अशोक स्तंभ का निशान होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे इंडियन आर्मी का। तो आगे चलते हैं नेवी का, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे छोटे रैंक से नेवी की देखते हैं फ्रेंड्स। नेवी में देखिए सबसे छोटी स्टार्ट होती है 8 ईयर्स के बाद, ठीक है। देखिए मतलब कि आर्म बेस लीडिंग रैंक्स होती हैं और पेटी ऑफिसर्स रैंक्स होती हैं, ठीक है। इसका देखिए पहले आपको 8 साल तक ये रैंक मिलती है सबसे छोटे में, उसके बाद 4 साल बाद मतलब 12 साल पे ये रैंक मिल जाती है बेजेस, ठीक, गुड कंडक्ट बाद। फिर चीफ पेटी ऑफिसर होते हैं, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर होते हैं, उसके बाद मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स होते हैं। फिर अदर्स रैंक देखते हैं, मतलब पेटी ऑफिसर मास्टर चीफ के। देखिए सब लेफ्टिनेंट नेवी कैसे होते हैं, ऑफिसर स्टार्टिंग होती है सब लेफ्टिनेंट से। फिर लेफ्टिनेंट रैंक देखते जाइए फ्रेंड साथ साथ में, लेफ्टिनेंट कमांडेंट ऐसे होते हैं, उसके बाद कमांडर ऐसे होते हैं, कैप्टन ऐसे होते हैं, उसके बाद कमांडर और रियर कमांडर, वाइस एडमिरल, एडमिरल और एडमिरल ऑफ द फील्ड। हमारा जो लास्ट रैंक है एडमिरल से स्टार्ट होता है, नेवी का हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं एयरफोर्स का देखते हैं। एयरफोर्स में देखिए लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन होता है, कॉर्पोरल होता है, उसके बाद सार्जेंट होता है, जॉइंट वारंट ऑफिसर होता है, वारंट ऑफिसर होता है और मास्टर वारंट ऑफिसर होता है। उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर होता है, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर होता है और एक होता है विंग कमांडर, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन था उसके वैसे टाइप में। फिर ग्रुप कमांड कैप्टन, उसके बाद एयर कमांडर, वाइस एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर एंड एयर फोर्स। फ्रेंड्स ये एयरफोर्स का था। उसके बाद आई होप कि फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। ये रैंक से बहुत कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड द मेनी थिंग्स। अच्छा, और नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर थिंग्स। आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, सो प्लीज़ मेक कमेंट्स हाउ व्हाट डिड यू गेट और नॉट, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट। जय हिंद, जय भारत।